हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है अपूर्व अग्रवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी थाईलैंड ट्रिप के ओवरव्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी 20 दिन की ट्रिप समराइज करके दिखाने वाला हूं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा बैंकॉक का नाना प्लाजा और थाउसान रोड की सबसे जबरदस्त पार्टीज। वर्ल्ड फेमस हार्ड रॉक कैफे की लाइव म्यूजिक, थाईलैंड का वो वाटर फेस्टिवल जिसमें थाईलैंड सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। और बैंकॉक में कहां सबसे अच्छा इंडियन फूड मिलता है। वैसे तो थाईलैंड अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा फुकेट और पटाया के खूबसूरत बीचेस। और इलीगल तरीके से क्लब में घुस के पार्टी करना, वैसे तो आपने नाना प्लाजा हमेशा बाहर से देखा होगा, कोशिश करूंगा कि आपको मैं दिखाऊं अंदर से। और मैं दिखाऊंगा आपको बैंकॉक के मॉल्स। और ये चीज जो कि पटाया में पीने के पानी से ज्यादा पी जाती है, बियर। बार्स में ट्राई करूंगा बियर टाइप की ड्रिंक्स। करीबन आपने मेरे साथ आधा चाइना टाउन घूम लिया, क्या आपको एक भी इंडियन दिखा यहाँ पे? लोगों को पता ही नहीं है इन सब जगहों के बारे में, कोई एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। जो टूर पैकेज मिलता है उसी पे वो लोग आते हैं और वैसे ही घूम के चले जाते हैं। बैंकॉक की जो एडल्ट नाइट लाइफ है, नाना प्लाजा है और जो चाइना टाउन है, दोनों में बीच में बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप यहाँ पर आओ तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो और नए लोगों से मिलो। लेके चलूंगा आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट के किचन में। हमारा फर्स्ट कुंभ सोई प्री हैपनिंग में।
अभी 8 रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हाँ अभी कोविड के बाद थोड़ा थोड़ा सॉरी काउबॉय की स्ट्रीट में हूँ और ये अपने अंकल मिल गए हैं, ये गोरखपुर से हैं। हाँ कोई भाई आवे वो लड़की के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि और पूरी डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा बैंकॉक का एडल्ट एंटरटेनमेंट एरिया सॉई काउबॉय। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको नाना प्लाजा के वीडियो में दिखाने वाला हूँ पूरा नाना प्लाजा अंदर से। तो ये सुपर बार है, बहुत ही ज़बरदस्त बार है, अगर यहाँ पे आप आओ तो यहाँ बियर लेके आराम से बैठो, पूरा माहौल यहाँ का एंजॉय करो और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओ, यही आपको मैं सजेस्ट करूँगा। थाईलैंड की ट्रिप अधूरी है अगर आपने यहाँ पर मसाज नहीं कराया, तो मैं आपको पूरा मसाज दिखाने वाला हूँ डिटेल में। सेक्शन अब मैं लेके चलूँगा आपको इसके अपर डेक पे, जो आसपास के नज़ारे हैं वो देखने हैं, वो बहुत मस्त लगते हैं यहाँ से। मेरे टाइप को तो यहाँ पे एक ही चीज़ मिल रही है, वो है ये बियर ही मैं ले सकता हूँ। थाईलैंड की सबसे ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन डिनर क्रूज, उस पर मैं आपको लेके जाऊँगा। और आपको दिखाने वाला हूँ मैं क्रूज का सबसे ज़बरदस्त कैबिनेट शो। फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपनी लाइफ का सबसे लग्जूरियस मॉल जो मैंने आज तक देखा था। अगरबत्ती जला के पूजा करी जाती है, सेम सारे पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और मैं आपको थाईलैंड का ग्रैंड पैलेस भी दिखाऊंगा। फिर उड़ा के ले चलूंगा मैं आपको क्राबी और दिखाऊंगा वहां की पार्टीज, जहां पे फूलों के साथ गमले भी आए थे। So guys, I just met these people. She is Erica from America. What about you? Doctor. Krabi की सबसे जबरदस्त बॉक्सिंग फाइट मुए थाई। घुमाऊंगा मैं आपको क्राबी का रायली बीच। फिर मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी लाइफ का सबसे जबरदस्त एडवेंचर जो मैंने किया था, एटीवी राइड। फुकेट की बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट 1200 रुपए का है, स्कॉर्पियन था ना, स्कॉर्पियन का बाप लग रहा है।
बार आपको दिखाऊंगा कि कैसे रेंट करते हैं बाइक फुकेट में। दिखाऊंगा आपको यहां के मसाज। और मेरी फिर नजर पड़ी मेरे फेवरेट स्पोर्ट पे जो यहां के टीवी पे चल रहा था, बैडमिंटन। लहराऊंगा अपने देश का झंडा। बताऊंगा आपको कि क्यों नशा क्लब बंद हुआ था और अब कब खुलेगा। ये पीछे मेरे पटाया नाइट बाजार, यहाँ पे सारा सामान मिलता है। और मैं ले चलूंगा आपको पटाया के नाइट बाजार में, जहाँ पे ए टू जेड सारा सामान मिलता है बहुत ही चीप रेट पे। चोर बाजार का सामान इतना ज्यादा पसंद है कि वो 200 रुपये 300 रुपये में जाता है, जैकेट उठा लाता है और ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ से लाता है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्वान्टिटी यू गिव मी इन 50 बार, हाउ मच क्वान्टिटी? 1 बाउल 100 रुपये का एक बाउल है, तो आप लोग 2-3 बाउल तो फाइल हो गया आराम से, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा थाईलैंड का सबसे वियर्ड फूड, जहाँ पे लोग कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह ये सब खा जाते हैं। इस चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए थाईलैंड के, सो बने रहिए मेरे साथ। बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मेरा छूट ना जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमेशा की तरह ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप किसी ऐसे बंदे के वीडियोस देख रहे हैं जो कि लखनऊ से है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई गलती हुई हो तो आप माफ़ कर दें मुझे। बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।